हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम क्लास सेवेंथ मैथ्स की ट्रायंगल्स लेसन जो है वो स्टडी करेंगे। पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, बाद में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो लेसन का नाम है द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ट्रायंगल्स क्या होते हैं? अ क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। तीन लाइन सेगमेंट से एक जो प्लेन फिगर जो है बाउंड हो जाती है, यानी ट्रैप हो जाती है, उसको कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ये तीन लाइन सेगमेंट से जो एक फिगर बनी है वो ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ट्रायंगल्स के टाइप बताते हैं हम, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स। साइड्स की अगर हम कंसिडर करें तो एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। एक होता है आइसोसेलेस, जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल होती हैं। और एक होता है स्केलेन ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। ठीक है, अब साइड्स के ही ऊपर एक प्रॉपर्टी होती है हमारे ट्रायंगल्स में, क्या होती है कि कोई भी दो साइड्स जो होती है उनको अगर हम प्लस कर दें तो वो हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, कोई भी दो साइड, एग्जाम्पल हम लेके देख सकते हैं। इसमें सपोज मैंने ये लिया 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, और ये भी 4 होगा क्योंकि आइसोसेलेस है। तो 4 + 3 करेंगे कितना होएगा, 7। 7 हमेशा बड़ा है, 7 बड़ा है 4 से, थर्ड साइड से बड़ा है। या हम ये दोनों साइड ले लें, 4 + 4 = 8, तो थर्ड साइड से ये भी बड़ा है। तो इसका मतलब कोई भी दो साइड्स को अगर हम प्लस करें तो वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ी ही आएगा। ठीक है, और दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है साइड्स की कि कोई भी दो साइड्स को अगर हम माइनस करें, सपोज़ मैं 4 - 3 करती हूँ तो कितना आएगा, 1। तो 1 हमेशा थर्ड साइड से छोटा रहेगा। तो यानी डिफरेंस अगर कोई साइड्स का है तो वो थर्ड साइड से हमेशा कम आएगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रायंगल की। साइड्स के बेसिस पे टाइप्स हैं 3 एंड प्रॉपर्टीज़ हैं 2। अब है बेस्ड ऑन एंगल। एंगल के बेसिस पे हम ट्रायंगल्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कोई भी एक एंगल उसका 90 डिग्री का होता है तो हम कहते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई भी एक एंगल अगर 90 से बड़ा होता है, ऑब्ट्यूज होता है, तो हम उस ट्रायंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल 90 से कम होने चाहिए तो वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे ये देख रहा है ए बी सी, मैंने एक ट्रायंगल लिया है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल क्या है 90 डिग्री का है। जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली लाइन यानी उसके अपोजिट वाली लाइन कौन सी होती है, जो सबसे बड़ी लाइन होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस, जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में एक हमारी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, जो बाकी की दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर करके अगर हम उनको प्लस कर दें तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आता है। अगर ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है वो इस प्रॉपर्टी को ज़रूर फॉलो करेगा। ठीक है, अगर वो राइट ये फॉलो नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, अब एक ट्रायंगल है, अगर हम इसकी कोई भी एक साइड को इस तरह से एक्सटेंड कर देते हैं, बाहर तक उसको बढ़ा देते हैं, तो एक एंगल उस ट्रायंगल के साथ और उस लाइन के साथ बनता है, उसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये किसी भी साइड से बन सकता है, जैसे कि ये वाली लाइन को अगर मैं बाहर की तरफ ऐसे बढ़ा रही हूँ तो ये एंगल यहाँ बन गया, अगर इस लाइन को बढ़ा रही हूँ तो ये एंगल यहाँ बन गया। तो इस तरह से हम कोई भी लाइन को बढ़ा के एक एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी इस फिगर में ये वाली लाइन को बढ़ाया बाहर की तरफ तो ये एंगल बन गया एक्स। ओके, अब ये जो एक्स एंगल है इसके इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, और इस इंटीरियर एंगल के अपोजिट में दो एंगल कौन से हैं, ये दोनों एंगल हैं, और ये दोनों एंगल का सम
वो इक्वल होगा किसके, इसके यानी एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है, तो ये हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, क्या है, द मेजर ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर के अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये आगे हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, द टोटल मेजर ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मीन्स तीनों एंगल के अगर हम मेजर्स को प्लस कर दें, सपोज ये है 40, ये है 70 और फिर इसको भी प्लस कर दें, तो सपोज एक एंगल 40 है, एक 80 है, एक 60 है, तो हम 40 प्लस 80 प्लस 60 करेंगे तो 180 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर हम इसके किसी भी वर्टेक्स से, यहाँ से, यहाँ से, या यहाँ से, किसी भी वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि 90 डिग्री बनाए थर्ड इसके सामने वाली लाइन पे, एक वर्टेक्स है, इसके सामने वाली लाइन कौन सी है, ये है, और इस लाइन के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर आए यानी 90 डिग्री बनाए तो उस लाइन को हम अल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो लाइन बनी है ए बी सी हमारा ट्रायंगल है, और ए डी एक लाइन बनाई हमने, यानी ए डी जो है इसमें क्या है, अल्टीट्यूड है, इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, तो ये ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये साइन जो है उल्टा टी जो हमने बनाया है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, तो ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, या हम ऐसे कह सकते हैं ए डी इज ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ये एक ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, अब ये जो लाइन है बी सी, ये जो बी सी लाइन है इसका मिड पॉइंट ढूंढते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है, जो बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट हो, जिसमें इस साइड की लाइन और इस साइड की लाइन इक्वल होती है, उसको मिड पॉइंट कहते हैं। तो ये मिड पॉइंट है, सपोज इसका मिड पॉइंट है एम। अब मिड पॉइंट को अगर मैं इसके वर्टेक्स से ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ इस तरह से, तो ये बन जाता है हमारा मीडियन ए एम। ए एम जो लाइन बनी है, ये वाली लाइन जो बनी है, ये होता है मीडियन। तो क्लियर ये बात, मीडियन क्या होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है। तो ये सब जो मैंने अभी तुम्हें बताया, ये सब ट्रायंगल की क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, ये क्लियर है तो आगे की एक्सरसाइज इजीली तुम सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में 6.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़।